राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के प्रति विशिष्ट सेवा के लिए विंध्य के डोलाल बचपन के सहपाठी सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया। राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को हुए रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के 94 कर्मियों को विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए। पहले चरण में 5 जुलाई को राष्ट्रपति ने कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस और असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को 10 कीर्ति चक्र प्रदान किए थे। इनमें 7 मरणोपरांत दिए गए थे। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना समेत तमाम लोग शामिल हुए। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हुए विंध्य के यह दोनों लाल रीवा के सैनिक स्कूल के पूरा छात्र हैं और यहीं से दोनों की दोस्ती। आज विंध्य के यह दोनों लाल देश के सेना के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्र के प्रति विशिष्ट सेवा के लिए विंध्य के दो लाल बचपन के सहपाठी सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए जाने के बाद विंध्यवासी भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।